आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बेसन की सब्जी जिसको हम गट्टे बोलते हैं, गुलगुले बोलते हैं, कैसे बनते हैं। हमने 2 कटोरी बेसन लिया है। इसमें सामग्री डलेगी हल्दी, नमक, जीरा, और ग्रेवी के लिए हमें 3 से 4 प्याज ग्राइंड करे हुए, 3 से 4 टमाटर ग्राइंड करे हुए, और इसको बनाने के लिए थोड़ा पानी और रिफाइंड की रहेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये सबसे पहले 2 कटोरी बेसन डाला है, उसमें हम थोड़ा सा मोड के लिए रिफाइंड डालेंगे 1 से 2 चम्मच। फिर इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे स्वाद के लिए, 1 चम्मच नमक, और इसको हम ऐसे मिक्स करेंगे। साथ हमने पानी डालना है इसमें थोड़ा सा, और इसको ऐसे करेंगे जैसे हम आटा गूंद लेते हैं ना, आटे की तरह हम इसको टाइट डो बनाएंगे। इतना टाइट नहीं बनाएंगे ताकि ये खाते वक्त टाइट लगे। एक साइड हमने ये पतीले में थोड़ा पानी डाल के रख दिया जिसमें हम वो गुलगुले को बना के इसके अंदर डाल देंगे। अब हमने ये डो बना लिया, देखो ये सॉफ्ट है, अगर हम इसको हार्ड बनाएंगे तो ये नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने पेड़ा लिया, अगर ये चिपक रहा है तो हाथों पे थोड़ा तेल लगा लो, ऐसे ये लंबे लंबे बना के हमने रख देने हैं। पीस हमने इसके पीसेस कर लेने हैं चाकू की सहायता। पानी हमारा बॉयल हो चुका है और जो पीसेस करे हैं उसको हमने उठा के साथ पीस। अब पानी हमारा बॉयल हो चुका है, अब इसमें हमने ऐसे पीसेस डाल देने हैं और इसको पकने तक के लिए छोड़ देना है। अभी हमने देखो इसके अंदर सारे काट के डाल दिए और ऐसे बॉयल होने के लिए हमने 10 से 15 मिनट छोड़ देना है। साइड हमने कढ़ाई ले ली, उसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे मसाला भुनने के लिए, और हमने जो प्याज की ग्रेवी काटी थी उसको डाल देंगे साथ ही। अब इसको प्याज को हम भुनने के लिए रखेंगे और इसमें हम थोड़ा सा जीरा, इसमें भी हम जीरा डाल देंगे, जीरे से टेस्ट अच्छा आता है इसमें। तो ये मसाला देखो प्याज का मैंने भून लिया, अब इसमें हम टमाटर की ग्रेवी डाल देंगे, फिर इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये टमाटर डाल के हमने मिक्स कर दिया, अब इसी के साथ हम नमक, ध्यान रखना कि उसमें भी हमने नमक डाला हुआ है, हल्दी, इसमें हिला लें। इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल लेंगे, मिक्स करते। बस अभी हमारे गुलगुले देखो तैयार हो गए हैं, पक चुके अच्छी तरह। अब ये मसाला हमने भून के इसी के अंदर डाल देना है, इसी से हमारी तरी बनेगी। ये जिसको जैसी रंगत चाहिए, अगर पीला चाहिए तो पीली हल्दी डालो, अगर देगी मिर्च चाहिए तो देगी मिर्च डालो। मसाले आप जितने डालोगे उतने ही टेस्टी बनता है। ये मसाला तैयार हो गया, अब हमने गैस बंद करके ये वाला मसाला उसके अंदर हमने शिफ्ट करना है। इसकी गैस हमारी अभी भी ऑन है, तो इसको हमने हल्के हाथों से हिलाना है और इसको ऐसे पड़ने दो। 5 मिनट के अंदर हमारी ये सब्जी तैयार है।